हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो तो आज की जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है ये एक मतलब एक भड़ास है जो मुझे निकालनी है गवर्नमेंट से क्योंकि ये जो गेस्ट फैकल्टी का जो नया इन्होंने जो जारी किया है जो भी है ये गेस्ट आई डोंट नो वट इट इज़ ये क्यों है मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि स्टूडेंट इतनी तैयारी कर रहे हैं कब से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है ये सीधी सी बात है अब मेरे जैसे भी हैं जो मतलब घर में अब शादी के बाद सबको पता है कि बहुत दिक्कतें आती हैं मतलब एक लड़कियों को अगर स्टडी कंटिन्यू रखनी है और बच्चा भी हो गया स्पेशली फिर तो आपको पता ही कितनी प्रॉब्लम आती है हम इतनी प्रॉब्लम मतलब फेस करके हम फिर भी स्टडी कर रहे हैं टाइम दे रहे हैं स्टडी पे और गवर्नमेंट क्या कर रही है ऐसी बकवास जैसी गेस्ट फैकल्टी नाम की कोई चीज इंट्रोड्यूस करवा रही है तो ये बहुत गलत है बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि हम हमारा सीधी सी बात बेवकूफ बन रहा है और गेस्ट फैकल्टी में भी क्राइटेरिया इस हिसाब का रखा है कि आज जो मतलब आप जैसे आ, मेरी ट्वेल्थ दो न, में मेरी बारह चौदह नहीं 2012 2012 में मेरी ट्वेल्थ हुई है ठीक है तो उस टाइम जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट रख रखा है उस टाइम से जो टॉपर होगा उसी के 75 से आप मार्क्स होंगे बाकी सबसे सबके नीचे होंगे और क्राइटेरिया भी ऐसा रखा है फालतू जैसा अगर आपको ट्वेल्थ के बेस पे ही मार्क्स के बेस पे ही आपको अगर लगाने थे टीचर तो बी और आ गई हायर एजुकेशन रखी क्यों है आपने भाई बताओ है कि नहीं अगर यही करना था ट्वेल्थ के बेस पे आप लगा दो ट्वेल्थ को पढ़ाने वालों को है कि नहीं अगर ऐसे अगर आप टैट टैट पे मैरिट लेते हो वो बात अलग क्योंकि टैट जो है वो बी का ही एक पार्ट है अगर आप टैट के बेस पे मैट करके मैरिट करके लगाते हो वो बात अलग है है कि नहीं अब जैसे ये पहली बात तो ये जो कि गेस्ट फैकल्टी है ये ये है ही क्यों है ये मुझे ये समझ नहीं आ रही है और हमारे यहाँ हमारी जो मतलब हिमाचल है वहाँ पे इतनी ज्यादा मतलब बेरोजगारी और देखना मुझे इस बात का दुख है या टेंशन है या डर है कि लोग ज्वाइन ना कर ले बस अगर हम सब मिलकर अगर इस चीज को अपोज करेंगे ना तो गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा और आज इतने दिन बाद मैंने ये वीडियो इसलिए डाली क्योंकि मुझे लगा पीजीटी का अब जैसे पहले फॉर्म फिल हो चुके थे मुझे लगा था पीजीटी का टेस्ट आ जाएगा ठीक है लेकिन आज आ, आ, सेट की इन्होंने डेट निकाल दी एग्जाम की अब जैसे मार्च में सेट का एग्जाम है पीजीटी की नहीं निकाली इन्होंने अब मैं ये सोच रहा कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में ये नो ये तो नहीं चल रहा कि हमने पहले ही गेस्ट टीचर दे दिए हैं छब्बीस सौ तो अब ये जो रेगुलर भर्ती है इसको रोक देते हैं मुझे तो वो टेंशन हो गई हद हो गई भाई हम लोग बेवकूफ हैं जो इतनी दिक्कतें खाकर तकलीफें खाकर हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने बच्चों को पूरा पूरा दिन घर में छोड़ के जा रहे हैं टेस्ट क्रैक करने के लिए और आप लोग ऐसे कर रहे हो ये मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है मैं चाहती हूँ कि प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं आप मिल जाओ इकट्ठे हो जाओ ज्वाइंट हो जाओ और ये जो बकवास ये जो ये गेस्ट फैकल्टी नाम की जो आफत है इसको प्लीज आप अपोज करो इसको रोको रोकने की कोशिश करो अगर आप हम सब मिलके इस चीज को मतलब अपोज करेंगे हम ज्वाइन नहीं करेंगे इंटरव्यूज नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को खुद ये फैसला वापस लेना पड़ेगा इसलिए ये टाइम जो है अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद ऐसे सोच रहे होंगे कि कुछ ना होने से बेहतर है कुछ है दो साल बाद मेरे भाई आप कहाँ जाओगे ये बात दिमाग में लेके चलो दो साल बाद आप कहाँ जाओगे है कि नहीं और गैस टीचर नहीं ये मनरेगा सीधी सी बात मनरेगा मनरेगा में दिहाड़ी नहीं मिलती है ये भी उसी टाइप का है जब दो महीने छुट्टियां होती है ना जन, जनवरी फरवरी जैसे हमारा इस तो विंटर है तो हमारे विंटर में छुट्टियां पड़ती है तो फिर आप कहा जाओगे दो महीने क्या खिलाओगे अपने परिवार को बताओ इससे अच्छा आप मनरेगा ज्वाइन कर लो है कि नहीं क्या इतनी पढ़ी पढ़े लिखे मनरेगा ये पढ़ा लिखा मनरेगा शुरू किया जो ये गवर्नमेंट ने मजाक बना के रखा है एजुकेशन सिस्टम का हद होती है हर चीज की भाई और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है ना कि गेस्ट टीचर गेस्ट टीचर ठीक है गेस्ट टीचर लगाना है गवर्नमेंट को लगाओ ठीक है लगाओ कोई एक साल के लिए लगाना दो साल के लिए लगाना, लगाना लगाओ फिर हमें भी पेंशन दो जैसे आपको पांच साल के बाद पेंशन मिलती है ना अगर मंत्री कोई भी है जीता है मतलब एक महीने के लिए जीता है सरकार टूट जाती है जो मर्जी होता है उसको पेंशन मिलती है ना लाइफ टाइम हमको भी पेंशन दो है कि नहीं सिक्योरिटी दो भाई सिक्योरिटी दो <clears throat> मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से सभी स्टूडेंट्स से प्लीज जो ये गेस्ट फैकल्टी है ये जो गेस्ट गवर्नमेंट ने लाया है ये जो भी है सिस्टम इसको अपोज करो ताकि गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़े जितना मतलब आप इकट्ठा होकर इस चीज को अपोज करोगे उतना जल्दी ये जो गेस्ट टीचर का गेस्ट फैकल्टी जो भी है ये आफत हमारा पीछा छोड़ेगी अगर देखो रेगुलर भर्ती होती है अगर उसमें हम क्रैक नहीं कर पाते ना वो बात अलग है हमने कोशिश की नहीं हुआ वो बात अलग है अगर अगर आपके पास रेगुलर टीचर को पैसे नहीं है देने के लिए ना जो फालतू की फ्री स्कीमें दे रहे हो ना सबको उनको बंद करो उनको बंद करो क्यों दे रहे हो फ्री में सबको आप फ्री में दे रहे हो आप पर, आप सबको अपंग बना रहे हो पैरालाइज करो आप सबको आप फ्री में हर चीज प्रोवाइड करवा रहे हो लोगों को क्या जरूरत है कमाने की जो चीजें फ्री में दे रहे हो ना वो सब बंद करो तब ये जो डेप्ट है ना आपका हिमाचल गवर्नमेंट में इतना सारा एक बंदे पे एक लाख समथिंग डेप्ट है एक बंदे पे हिमाचल की कितनी पॉपुलेशन है हमारी है कि नहीं एक बंदे पे एक लाख के आसपास डेप्ट है ये डेप्ट तभी खत्म होगा अगर आप जो फ्री की स्कीम में दे रहे हो ना उनको बंद करो और आप अभी गवर्नमेंट ने यो जो Uh, कुशल कार्यक्रम निकाले आप सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट मतलब हर स्कीम पे सब्सिडी दे रही है बहुत अच्छी बात है आप सब्सिडी दे रहे हो लेकिन उसमें भी मैक्सिमम जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना मतलब ट्वेल्थ जो ट्वेल्थ करके घर में बैठे हैं या ऐसे ही लोग अप्लाई कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग जिन्होंने बी हायर एजुकेशन ली हुई है वो इस उम्मीद में बैठे कि हमारी रेगुलर पोस्ट आएंगी हम उनकी उनकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग वो इस उम्मीद में बैठे कि आएंगी हम उस तरफ जाते हैं जो ये स्किल इंडिया जो भी कर रहे हैं लोग ना स्किल करने की कोशिश कर उसमें वही लोग इनरोल हो रहे हैं जो, जो मतलब ट्वेल्थ या फिर ग्रेजुएशन करके घर में बैठे बाकी जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है ना वो अपनी लाइन पकड़े हुए हैं बच्चे तो बेचारे अपनी लाइन पकड़े हैं ट्रू है अपनी मेहनत के प्रति लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है रेगुलर पोस्ट के बजाय ये गेस्ट गेस्ट मुझे तो नाम ही से चिड़ हो रही है गेस्ट गेस्ट क्या मेहमान मेहमान की तरह एक दो साल आओ पढ़ाओ और निकलो है क्या भाई मूवी की तरह अतिथि तुम कब जाओगे ये तो वही और इसमें भी ये है कि अगर बाय चांस अगर प्रिंसिपल से आपकी अच्छी नहीं है बॉन्डिंग या कुछ है उसमें प्रिंसिपल भी आपको लात मार सकता है है कि नहीं और गेस्ट में आप ज्वाइन भी कर लेते हो ना अगर आपकी स्टाफ से किसी के साथ नहीं बन रही या प्रिंसिपल के साथ नहीं बन रही प्रिंसिपल भी आपको अटाफू चौक कर, कर देगा इस इस चीज को अपोज करने की कोशिश करो रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इस चीज को अपोज करो जितना कर सकते हो करो बाकी बस मेरे मन की जो भड़ास है वो मैंने उतार दी है इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते है शिक्षा स्तर भी तो नीचे गिर रहा है वो तो गिरेगा ही वो तो गिरेगा ही अब देखो जो मतलब इतनी तैयारी करके मतलब मतलब दो तीन साल लाइब्रेरी में लगा के जो तैयारी करके टेस्ट क्वालिफाई करके बंदा आगे आ रहा है वो अच्छा होगा पढ़ाने पे या फिर जो ऐसे मेरिट बेस पे आगे आ है वो ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे आप लगा रहे हो मुझे तो इस बात की हंसी आ रही है इस पॉइंट पे मैं भी बोल रहा हूँ इस पे मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगा इसलिए आप थोड़ा सा मैं भी बोल दू इस चीज पे मैं भी बोलना चाहूंगा कि देखो जैसे कि हमारा हिली एरिया है यहाँ पे पहले से ही पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा नहीं रहा है कि पचहत्तर परसेंट नंबर हो बहुत कम के बच्चों के आते थे उस टाइम हमें तो ऐसे होता था कि पास हो जाए क्योंकि टीचर दो तीन होते थे पूरे स्कूल में पास कहाँ नंबर कहाँ से लेने उल्टा पास होना मुश्किल होता था ऊपर से अब ऐसी ला रहे हैं एक तरह के हमें बेरोजगार से बेरोजगार बनाते जा रही है सरकार और ये होगी कहाँ के जो नीचे हमीरपुर सुकुजी की कॉन्स्टिचुंसी के होंगे उनके पचहत्तर परसेंट होंगे वो खुद की कॉन्स्टिटेंसी के उतने हायर लेवल नहीं था एजुकेशन बहुत कम बच्चे होते थे जिस दिन कितने मार्क्स होते थे पर उस हमारे टीचर ही नहीं होते थे तो नहीं, जैसे एवरेज स्टूडेंट के भी मतलब सेवेंटी फाइव से अब मार्क्स होते हैं एवरेज स्टूडेंट के भी उस टाइम नहीं होते थे। तो... अभी के टाइम की बात कर रही हूँ हमारे टाइम में ऐसे नहीं होता अब मुझे इस बात की हंसी आ रही है जिनका दो का बैच है ग्यारह का बैच है वो बेचारे कहा जाएंगे है कि नहीं वो कहा जाए और मैं मेरी बच्ची एक साल की है मैं एक साल की बच्ची को घर में छोड़ के तैयारी कर रही हूँ इस उम्मीद में कि हाँ टेस्ट आएगा चलो एक बार अटेम्प्ट कर लेती हूँ है ना है कि अटेम्प्ट कर लेती हूँ शायद हो जाए लेकिन क्या मिला मुझे निराशा हताशा डिसअपॉइंटमेंट बाकी बस मुझे ये बोलना कि इस चीज को जितना पॉज कर सकते हो पॉज करो हैशटैग हैशटैग नो टू गेस्ट टीचर करके हैश नो टू टीचर बस और कुछ थैंक यू